अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का बेटा नाम है निमोनिया। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली निमोनिया एक इन्फेक्शन है, और ये किसका इन्फेक्शन है बेटा, ये इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है। अगर यही इन्फेक्शन दोनों लंग्स, बोथ लंग्स पर हो जाए तो हम इसको डबल निमोनिया का नाम दिया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए इसको कोज कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरियम। ए को कहा जाता है बैक्टीरियम, और ज़्यादा होता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरियम का नाम क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ये बैक्टीरिया है जो मेरे बच्चे निमोनिया कोज करता है, या वायरस भी कर सकते हैं। मगर कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो नज़ले का मेरे बच्चे वायरस है, वो भी निमोनिया का इन्फेक्शन लंग्स के ऊपर कर सकता है। कुछ फंजाई भी ऐसी होती हैं जो लंग्स के ऊपर निमोनिया का इन्फेक्शन कर सकती हैं। देख सकते हैं ये नॉर्मल पर्सन के एल्वोलाई है, और अगर इसको डिजीज़ हो जाए तो इस एल्वोलाई के अंदर ये रेशा भर जाता है, तो मेरे बच्चे इस पेशेंट को नाम दिया जाता है ये निमोनिया का पेशेंट है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर जो कॉजेटिव एजेंट है ना, जो ये डिजीज़ करता है, वो जाता है, एंटर होता है एल्वोलाई के अंदर। जब वो एल्वोलाई के अंदर जाता है, वहाँ पर सेटल होता है, वहाँ पर रहता है, और वहीं पर ग्रो करता है इन नंबर, अपनी तादाद को बढ़ाता है। जब उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है लंग्स टिश्यूज़ को, वहाँ पर जो लंग्स के टिश्यूज़ उनको डैमेज करता है, और वो जो एरिया जहाँ पे डैमेज हो चुका है वो एरिया फिल्ड हो जाता है, भर जाता है पानी से, फ्लूइड से या पस से। इसका मतलब वो जो एरिया है वो रेशे से भर जाता है। इस तरह से ये बीमारी होती है जिसका नाम क्या बेटा, निमोनिया है। सिम्टम इसके बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई फीवर होता है, पहली तो बात है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, शिवरिंग, आपको सर्दी लगती है, इवन कि गर्मियों के दिन भी आप कंबल लेकर ओढ़ते हैं तो, और कंबल लेने के बाद, और ये होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आती है जो खांसी है उसके साथ, स्पूटम। स्पूटम का मतलब बलगम का आना, तो बलगम भी खांसी के साथ आती है, और मेरे बच्चे शॉर्ट ब्रीथ होता है, आपका सांस उखड़ता है, स्किन कलर आपका डस्की या पर्पलिश हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में लो लेवल हो जाता है बड़ा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से स्किन कलर डस्की या पर्पलिश हो जाता है। ट्रीटमेंट मेरे बच्चे देखा जाए तो हर इंसान ये निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल वो लगा सकते हैं, और इवन के इवन आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के खिलाफ, तो आप इस बीमारी के खिलाफ ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और हाँ इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, आपने एज इट इज़ ही पेपर में लिखना होता है। हाँ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना कभी ना भूलिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।